इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम पर अगर किसी वजह से यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं प्राइमरी अकाउंट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाता है डिफ़ॉल्ट अकाउंट कुड नॉट बी चेंज। तो ऐसा क्यों होता है कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट चेंज नहीं हो रहा है? ये प्राइमरी अकाउंट होता है, रिसीव मनी के लिए होता है, और जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उसी में ही मनी जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है? देखिए, दिक्कत रहती है यहाँ पर आप इसे वैलिडेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है, या फिर चेक कर सकते हैं कि सही से लग रहा है या नहीं। ऐसा होता है कि आप अकाउंट नंबर बंद कर देते हैं तो तब भी यहाँ पर ये सेव रहता है, तो आप इसको एक दफ़े रीएक्टिवेट कर लीजिए और उसके बाद इसको चेंज करने के लिए लगाइए तो ये इजीली लग जाएगा। एंड आपको यहाँ पर जो है अपने पेटीएम को अपडेट करके भी रख लेना है। अगर जब आप अपडेट करके रखेंगे तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।